बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक हैं। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी। तंदूरी जो हम ग्रिल चिकन खाते हैं उसकी रेसिपी। उसके लिए आपको पहले चिकन ब्रेस्ट लेना है, उसमें ऐड करना है आपको धनिया ज़ीरा और सोप, तीनों को पीस लेना है, वो ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है चिल्ली सॉस, और आपको लहसुन को बारीक बारीक काट लेना है, फिर वो ऐड करना है। और उसके बाद डालना है लाल कुटी हुई मिर्चे और नमक, बस दैट्स एट। इसके बाद आपको कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। पहले इतनी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमें ना थोड़े छोटे छोटे कट करना है, और ये आपको ब्रेस्ट पीसेस लेने हैं। इसे ग्रिल चिकन कहते हैं, KFC पे में ये मिलता है। हम ज़्यादातर जाकर बाहर ही ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं, तो आज हम ये घर पर बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसमें ये सारी चीज़ों को मिक्स कर कर रख दें। अब हमें लेना है ग्रिलर पैन। ग्रिल पैन लेकर हम इसमें ऐड करेंगे मस्का, घी, ऑयल, जो आपको अच्छा लगता हो आप ऐड करें। और इसमें हमें ये चीज़ें ज़्यादा डालनी है, क्यों पता है? क्योंकि हम इसी में ग्रिल करेंगे, इसलिए ग्रिलर पैन में आप इसको ऐड कर दें और अच्छी तरह से पहले इसको पूरा मिक्स हो जाने दें, मतलब पिघल जाने दें। मस्का है तो वो पिघलेगा तो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए पहले से पिघल जाने दें। पिघलने के बाद हम इसमें चिकन के पीसेस इस तरह से प्लेस कर देंगे, और एक साथ ही पूरे आप ना डाल दें, पहले थोड़े थोड़े डालें और फिर उसको अच्छी तरह से चेक करें। चेक करने के बाद पलटाएं, पहले फ़ौरन से डालकर फ़ौरन ना पलटा लें, क्योंकि वो क्या होता है ऊपर से, और एकदम स्लो रख कर आपको इसे करना है। अगर आप फास्ट पर करोगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से एकदम कच्ची रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको पहले स्लो रखें, अंदर से अच्छी तरह से पकने दे, फिर हम बाहर से पकाएंगे, लास्ट में फास्ट आंच पर रखें। आप इन सारी चीज़ों को अच्छी इस तरह से देखें, सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लें अच्छी तरह से, इस तरह फ्राई करते रहें और बार बार इसे दबाकर फ्राई करें ताकि वो अंदर से पूरा पक जाए और ये चिकन एकदम ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो जाए ना। हमें इसे देखें इस तरह से, माशाल्लाह कितना अच्छा इस पर कलर आया है। इसी तरह हमें अच्छी तरह इस पर कलर लाना है और पूरा ग्रिल का हमें शेप लाना है। हमें इस तरह है कि सिर्फ फ्राई करना है, हमें ग्रिल का भी शेप इसके अंदर लाना है, तो उसी तरह पता चलेगी इसका टेस्ट कितना अच्छा है और ये कितनी अच्छी तैयार हुई है। इस तरह आप लोग भी चिकन को फ्राई करें ग्रिलर पैन में। अगर आपके पास ग्रिलर पैन है तो भी कोई बात नहीं, आप सिंपली तवे पर रख कर कर लें बस उसे अच्छी तरह से, या फिर गैस पर आप वो जो छन्नी टाइप आती है जिसे हम ग्रिलिंग वो छन्नी लेते हैं उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। बट आपको ये है कि आप ये पैन में ज़्यादा अच्छी बनती है, और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भूले ना। अल्लाह हाफ़िज़।